48 घंटे से हुई लगातार बारिश की वजह से महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई थी, जिसको लेकर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में जहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा लगातार जल निकासी कराया गया, साथ ही चिन्हित स्थलों पर पंपिंग सेट लगाकर पानी निकलवाया गया। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महानगर में अव्यवस्थित कॉलोनियों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, साथ ही कुछ निचले क्षेत्रों में लोगों द्वारा कॉलोनियां बसा दी गई हैं, उन हिस्सों में जलभराव देखा गया। ऐसे कुल 144 स्थान को चिन्हित किया गया है जहां पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको देखते हुए नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि कॉलोनियों में व्यवस्थित तरीके से नालों का निर्माण, सड़कों का निर्माण हो सके और जलभराव से बचा जा सके। जलभराव से निजात पाने के लिए महानगर के लिए ड्रेनेज प्लान तैयार हो रहा है। दक्षिण भारत की कंपनी सर्वे कर चुकी है, उसका प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष हो चुका है। यह प्रोजेक्ट 3,000 करोड़ रुपए का है। इसमें गोरखपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को लिया गया है। नगर निगम द्वारा अनुरोध किया गया है कि पहले नगर निगम क्षेत्र को ले लिया जाए ताकि इस ड्रेनेज सिस्टम के बन जाने से लोगों को आने वाले समय में जलभराव ना झेलना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, लेकिन निश्चित रूप से कल की जो बारिश हुई है 17 की नाइट से लेकर 18 तारीख की दोपहर तक, यह एक, इसको आप सामान्य बारिश नहीं कह सकते हैं, यह तो एक प्रकार की अतिवृष्टि थी और मौसम विभाग के अनुसार 98.75 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जिसको कि अतिवृष्टि की संज्ञा में रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बारिश रही होगी। इसके बावजूद जब दो इतनी मूसलाधार बारिश में कल सुबह से ही हमारी नगर निगम की पूरी टीम 6 बजे से सड़कों पे निकल गई थी। हमारे दोनों कंट्रोल रूम, दोनों CUG नंबर जो कंट्रोल रूम से जुड़े हुए लगातार काम कर रहे थे, उसकी टीम बैठी हुई थी, जहाँ से जो भी सूचना आ रही थी तत्काल टीम मौके पहुँच रही थी। हमारे 110 जो मड पंप हैं वो काम कर रहे थे, हमारे सभी रेगुलेटर वर्क कर रहे थे। कहने का आशय यह है कि पूरी टीम एक्टिव थी। इसके बावजूद कुछ जगहों पर जहां पर कि बारिश जब ख़त्म हुई 2 घंटे के अंदर लगभग पूरे शहर से पानी निकल गया, लेकिन कुछ जगहों पर जो कि लो लाइंग एरिया हैं या कुछ ऐसी भी जगह हैं जैसे कि ईंट भट्टे की ज़मीन है या कुछ लोगों ने तालाबों में भी मकान बना रखे हैं, तो वहाँ पे तो निश्चित रूप से इतनी हैवी रेन में पानी को निकलने में थोड़ा समय लगता है, वहाँ पानी निकलने में समय लगा। लेकिन हम लोग पूरी तरह से नगर निगम की जो टीम थी अपने शहरवासियों के साथ उनके सुख दुख में साथ में खड़े होते हुए पूरी कोशिश करते रहे कि हम पंप के माध्यम से इन जो इस जल निकासी करते रहें, पानी को बाहर निकालते रहें। और उसी का वजह है कि आज आप देखे होंगे कि सुबह जब से तेज़ धूप निकली हुई है, शहर की जो व्यवस्था है, शहर का जो आम जनमानस है, आराम से सड़कों पर निकल कर पूरा घूम रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसमें यहाँ भी ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप अन्य शहरों से भी तुलना करूँ तो नगर निगम की परफॉर्मेंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिना किसी शहर का नाम लिए हुए कि आप वहाँ के शहर का और गोरखपुर के शहर की तुलना करिए जो हैवी रेन हुई है, तो हमारे यहाँ जो 98.75 मिलीमीटर बारिश होने के बावजूद 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने पूरी तरह से शहर पर काबू पा लिया था, कुछ जगहों को छोड़कर। और उम्मीद है कि आने वाले समय में उन जगहों को हमने चिन्हित किया हुआ है, वो पूरी तरह से लो लाइंग एरिया है, ईंट भट्टे की ज़मीन है, तालाब किस्में की ज़मीन है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जगहों को भी हम आने वाले समय में उनको किसी, या तो उनकी सड़कों को हम ऊंची करेंगे या उस एरिया को कुछ ऐसा उनका जो टेबल मतलब डिमार्केशन होता है, कह लीजिए कि एक टेबल उनकी मेजरमेंट करेंगे कि क्या हो सकता है कि जिससे यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पानी ना लगे। तो एक नगर निगम का एक बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि ईमानदारी भरा प्रयास था जो काफ़ी हद तक सफल रहा। इसको मैं पूरा तो नहीं कहूँगा क्योंकि इसका जो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जो गोरखपुर शहर बसा हुआ है, प्लस जो बहुत से ऐसी जो अनप्लान्ड कॉलोनियाँ बनी हैं, अनप्लान्ड कॉलोनियों में जैसे कि प्राइवेट कॉलोनाइजर ने बना दिया, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि खेत है, खेत की उनकी अपनी ज़मीन है, उन्होंने वहाँ पर प्लॉटिंग कर दिया। लेकिन प्लॉटिंग तो उन्होंने किया, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी से ना उन्होंने उसका लेआउट पास कराया है, ना किसी को मतलब मैप पास हुआ है उसमें, तो सवाल है कि जब उसमें ना नाली रहती है ना कुछ, कॉलोनी बन जाती है, लोग उसमें रहने लगते, निश्चित रूप से ऐसी दिक्कतें तो आनी ही आनी हैं। और इसके लिए मैं इसके अवेयरनेस के लिए भी एक
प्रोग्राम करना चाहूँगा, डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर हम सभी लोग बैठें, सारे शहर के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया जाए और जो आम जनमानस को भी कि उसमें शिरकत कराई जाए और उनको बताया जाए कि कभी भी इस प्रकार का कोई भी मतलब एक डेवलप्ड कॉलोनी में उसका हिस्सा बने, अनडेवलप्ड बनने में दिक्कतें आती हैं, या अगर ऐसे जगह पर वो मकान बना भी रहे हैं तो आपस में बैठ के वो लोग वहाँ की एक समिति बना लें या कुछ करके, तो वहाँ नाली का उसका जो है मतलब नाली को जरूर बनाया जाए जिससे कि जब भी बारिश हो। अभी तो आपने ये भी देखा होगा कि मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो अभी पश्चिम देशों में बाढ़ आई है, आपने पढ़ा होगा कि इतनी ह्यूज उसमें कि पिछले एक हज़ार वर्षों में ऐसी बाढ़ वहाँ नहीं आई हुई है, और उस बाढ़ ने नदियों के जो रास्ते थे उनको भी मोड़ दिया, बड़े 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 घर ही बह गए, गाड़ियाँ पूरी बह गई। तो ये तो इसके लिए मतलब आने वाले समय में देखिए ये जो अतिवृष्टि है या इसको आपदा में आप देख सकते हो, और मैं तो ये देख रहा हूँ कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अभी कोरोना के रूप में एक हम लोग पूरे विश्वव्यापी महामारी देख रहे हैं, अभी हम बाढ़ के रूप में भी देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस वक्त जो है इसे परेशान चल रहा है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम लोग बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं, और इस मामले में सबसे कहना भी चाहूँगा कि जब भी आप मकान बनाएँ, अपने सपनों का घर बनाएँ, उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं नाली, सड़क से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, इन सब का ख्याल अवश्य रखा जाए। साथ साथ जो हमारी निर्माणदायी संस्थाएं हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी वो सड़क बनाएं, नालियाँ बनाएं, नाला बनाएं, तो उसको ज़रूर देख लें कि जो पानी ड्रेन आउट कैसे होगा। जब पानी बरसेगा तो अगर मान लीजिए कॉलोनी बहुत नीचे है तो पानी चढ़ के तो ऊपर सड़क उधर नाली पे आएगा नहीं, हमें कोई ऐसी व्यवस्था देनी होगी कि सड़कों का मतलब कॉलोनी का पानी कैसे उन नालियों में होता हुआ नालों में चला जाए और नालों से जाता हुआ बाहर शहर के बाहर निकल जाए, एक पूरी मुकम्मल व्यवस्था जो है। और निश्चित रूप से एक यहाँ का ड्रेनेज जो प्लान है वो तैयार हो रहा है, एक साउथ की कंपनी है इसको बना रही है, इसका 2-3 बार प्रेजेंटेशन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हो चुका है। एक बहुत बड़ा इसमें 3,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, और उसमें भी हम पूरे वो जो प्राधिकरण का क्षेत्र उसको लिया गया है, उसमें भी हम लोगों ने अनुरोध किया कि साहब पहले जो है नगर निगम के क्षेत्र को ले लिया जाए और वहाँ का ड्रेनेज प्लान पहले तैयार हो जाए, उसके बाद पूरे प्राधिकरण के क्षेत्र को लिया जाए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने पूरा एरियल सर्वे कर लिया है, GIS सर्वे कर लिया है, और हो सकता है कि अगले जो बारिश रेनी सीजन में हमको इस प्रकार की परेशानियाँ ना झेलनी पड़े।